नहीं थम रहा गोरक्षक दल के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का मामला। जगह जगह हो रहा प्रदर्शन, गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदीप माथुर और कुमार नरेंद्र का पुतला फूंका, चप्पल जूतों की पहनाई माला। मथुरा में हुई गोरक्षक दल के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। गोरक्षक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच रालोद और कांग्रेस नेता द्वारा गोरक्षक दल के कार्यकर्ताओं पर दिए गए बयान को लेकर गोरक्षक दल के कार्यकर्ताओं और उग्र हो चुके हैं, जिसके चलते दोनों नेताओं का गोरक्षक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह पुतला फूंका जा रहा है। इसी क्रम में जनपद मथुरा के गोवर्धन चौराहे पर भारी संख्या में एकत्रित गोरक्षक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा दोनों नेताओं का पुतला फूंक कर जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल जनपद मथुरा में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया गया था, जिसके बाद क्षेत्र में शराब बिक्री और मांस बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन इसके बाद भी क्षेत्र से लगातार मांस बिक्री की सूचना मिल रही थी। मथुरा से मदन शाश्वत की रिपोर्ट। जैसा कि आज आपने पुतला दहन किया है, किस बात को लेकर किया गया है? कल हमारे गोरक्षकों के साथ में जो मथुरा में घटना हुई उसके विरोध में हम लोगों ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज की थी। मुकदमा पंजीकृत हुआ है। गौ हत्या, गौ तस्करी में वो लोग गौ तस्करी करते थे, गायों को काट के बेचते थे, मांस बेचते थे वो गायों का। कल की सूचना पे हमारे गोरक्षक भाई वहां पे मौके पे गए थे। पुलिस लेट थी, पुलिस नहीं पहुंचने के कारण मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मुसलमानों ने उनके ऊपर लाठी डंडे ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिनको बुरी तरह से घायल चोटिल हो गए वो लोग। उसके बाद में शिकायत होने के बाद में शाम को ये मुस्लिम वोटों की राजनीति के चक्कर में प्रदीप माथुर जी और कुमार नरेंद्र सिंह जी हिंदू विरोध की हीन भावना से उन लोगों के पास में गए और गौरक्षकों को गुंडा, बदमाश, चौथ वसूली वाला, लड़की छेड़ने वाला, बुरे बुरे अपशब्द गौरक्षकों के बारे में कहे। इसलिए हम उन लोगों का बहिष्कार करते हैं, पूर्णतः बहिष्कार करते हैं उनका, लास्ट तक, जब तक वो चुनाव लड़ेंगे या जीतेंगे या जब तक उनका कैरियर खत्म नहीं हो जाता राजनीति से, जब तक हम उनका विरोध करते रहेंगे। हम उनके दुर्विरोधी हैं जो गोरक्षकों के खिलाफ है। हमारी पूरी हिंदू समाज उनके खिलाफ रहेगी। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनेताओं को हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। बोल गौ माता की जय। गौ काटने वालों को अंदर दो सालों को। अब ये जो आंदोलन है यहीं पे किया है या फिर आगे भी आप करने का? अन्य जगह शाम को वृंदावन में भी हो रहा है, अपने मथुरा में भी हो रहा है, जगह जगह पुतला दहन की प्रोग्राम व्यवस्था बनाई गई है। तो आप प्रशासन से, अगर कार्रवाई प्रशासन ने सख्त तरीके से नहीं की तो आगे की रणनीति 10 तारीख के बाद में तय की जाएगी। हो सकता है बहुत बड़ी एक जनाक्रोश रैली की व्यवस्था की जाए। भाई हम गोरक्षा दल के लिए काम कर रहे हैं, किसी नेता बढ़ुई के लिए काम नहीं कर रहे हैं। कुंवर नरेंद्र सिंह हो या प्रदीप माथुर हो, साले वो क्यों बीच में कूदे? हमें प्रदीप माथुर कुंवर नरेंद्र सिंह की बीच में हस्तक्षेप नहीं चाहिए। अगर कुंवर नरेंद्र सिंह और जो भी बीच में आते हैं तो कल को इनके संग कोई हादसा हो जाए या इनको उठवा दिया जाए, उसमें फिर हमारी कोई गारंटी नहीं रही। कुंवर नरेंद्र सिंह और प्रदीप माथुर ये डिसाइड करने के हिंदूवादी नेता हैं क्या मुसलमानवादी नेता हैं? नहीं तो घर में पीतल बदली जाएगी। ये बूढ़ा पंडित का वादा है।